नमस्कार, आप देख रहे हैं अलर्ट इंडिया न्यूज और इस समय हमारे साथ हैं दीपक राणा जी, पीडीपी के लीडर हैं। हम उनसे बात करेंगे कि इस समय जो प्रशासन अधिकारियों को लेकर लोगों में जो रोष देखा जा रहा है उस बारे में बात करेंगे। दीपक जी बताइए, इस समय प्रशासनिक अधिकारियों में लोगों के प्रति क्या नाराजगी है? देखिए, ये तो हमसे बेहतर आप जानते हो, क्योंकि आपका तो काम यही होता है जनता के साथ और प्रशासन के साथ रूबरू होना। अक्सर देखा गया है जो इस समय जो हालात बने हैं जम्मू व कश्मीर के, ये एक बहुत ही गंभीर मसला है हमारे राज्य के लिए, क्योंकि जब से इन्होंने राज्य का विशेष दर्जा छीना हुआ है, आम जनता बेबस है, किसी को कोई समझ नहीं आ रही है कहाँ जाए कहाँ नहीं जाए। हालिया कल मैं जिला सचिवालय में गया था, मुझे वहाँ पे दूर दराज बनी बसोली के लोग मिले, जो बेचारे कहते हैं कि हमें दो दो दिन हो गए यहाँ पे रहते हुए, ना कोई प्रशासन का अधिकारी उनकी बात सुनता है। पहले तो वो ऑफिस में ही नहीं दिखाई देता है, जब कभी वो ऑफिस में आता है तो वो ये कह के पल्ला झाड़ लेता है कि अभी मेरी बीसी चल रही है, अभी मेरी मीटिंग है, आप कल आना, आप उस क्लर्क से मिलो, आप उस क्लर्क से मिलो। मेरा कहने का मतलब ये है कि इस समय जो चल रहा है वो बिल्कुल वो हिटलरशाही चल रही है, जिसको हम एक बार हम किताबों में पढ़ते थे कि एक ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी हमारे हिंदुस्तान में, तो जम्मू कश्मीर में मैं समझ रहा हूँ ईस्ट इंडिया कंपनी का राह चल रहा है, क्योंकि जहाँ पे प्रशासन नाम की कोई चीज़ नहीं रही है, करप्शन जोरों पे है, हर कोई बाबू हर कोई अधिकारी सिर्फ इसी बात पे टिका था कि हमारे पास जनता का कोई नुमाइंदा ना आ जाए, जनता का कोई काम हमारे लिए ना आ जाए, वो अपनी फाइलों में व्यस्त है और अपनी ही दुनिया में मस्त है। केंद्र सरकार हो या फिर लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब हो, हर बार यही कहा जाता है कि लोगों के लिए काम हो रहे हैं, लेकिन असलियत में देखा जाए तो जितने भी लोग इस समय सेक्ट्रेट में आ रहे हैं उन लोगों के काम नहीं हो रहे हैं, चक्कर लगाते जा रहे हैं। एक तरफ से कहा जा सकता है कि जो अफसरशाही है बिल्कुल हावी है। देखिए, एलजी साहब ने क्या, उन्होंने तो अपने हाउस में बैठ के बात कर लेनी है या वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए जिला अधिकारियों से या राज्य के अधिकारियों से बात कर लेंगे। उन लोगों से पूछो जो रोज की डेपुटेशन की शक्लों में है, शिष्टमंडल की शक्लों में है, दूर दराज क्षेत्रों से कभी डीसी के पास आ रहे हैं, कभी तहसीलदार के पास आ रहे हैं, कभी एसडीएम के पास आ रहे हैं, पता नहीं रोजाना कितने कितने, कोई पानी के लिए आ रहा है, कोई बिजली के लिए आ रहा है। अगर विकास हो रहा है तो फिर ये लोग इधर दफ्तरों के चक्कर क्यों लगा रहे हैं? विकास होता तो इन लोगों को क्या पड़ी है तीन तीन चार चार सौ रुपये किराया खर्च करके दो दो दिन घर से बाहर निकल के अपने काम करवाने के लिए दफ्तरों के चक्कर लगाना। विकास हुआ है और कागजों का हुआ है और बाबुओं का अपना हुआ है। जनता परेशान है, जनता की सुध लेने वाला कोई नहीं है और सिर्फ ये सिर्फ बातें करते हैं कागजों पे, मीडिया पे, और ये बात कर देते हैं वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए कि हमने ये हुआ है। मैं कहता हूं कि आप एक एक जनता से पूछे, आप गांव-गांव जाएं, आपको पता चलेगा कि जनता कितनी बेबस है, परेशान है, और ऐसे हालात बने हुए हैं जो हमने आज तक आज़ादी के बाद ऐसे हालात जम्मू कश्मीर में नहीं देखे थे। कोई नहीं है, बाबुओं का राज है, कौन पूछेगा? सरकार तो है ही नहीं ना, कौन पूछेगा? नुमाइंदा कोई नहीं है, अपनी अपनी डफली और अपना अपना राग है। इस समय ऐसी जो है स्थिति बनी हुई है हमारे जम्मू कश्मीर में। देखा जाए एक तरह से प्रशासनिक अधिकारियों का इस समय बोलबाला है नुमाइंदा ना होने के कारण। एक मैं लास्ट क्वेश्चन ये पूछना चाह रहा था, लखनपुर बॉर्डर जो पिछले एक साल से बंद है, मार्च महीने में एक साल पूरा हो जाएगा उसको, उसके बाद भी बॉर्डर बिल्कुल नहीं खोला जा रहा है, स्कूल खोले गए हैं और चार दिन स्कूल में बच्चे आते हैं, चार दिन छुट्टी है, उस पर क्या कहेंगे आप, क्या लगता है आपको कि क्या सही है ये? देखिए, ये एक बहुत बड़ा बच्चों की ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ हो रहा है, जब पूरा साल आपने स्कूल नहीं खोले, अब चंद प्राइवेट स्कूलों के प्रेशर में आके या कुछ लोगों के प्रेशर में आके आप ट्रांसपोर्ट चार्ज लेने के बहाने बच्चों को स्कूल बुला रहे हो, आखिर उनकी ज़िंदगी का जिम्मेवार कौन है? अगर आपने एक जनरल ऑर्डर ही आ गया है कि नाइन्थ और तक हमें बच्चे को मास प्रमोशन देनी ही देनी है, तो फिर ये इसका क्या मतलब है बच्चों को क्लास में बैठाने का? अभी आपने हालिया देखा कि स्कूलों में कोरोना के केस आने शुरू हो गए हैं, और मैं ये सबसे बड़ी नालायकी कहूँगा प्रशासन की कि ऐसे केस क्यों आए? क्यों आए? क्योंकि बच्चों को आपने स्कूल में बुलाया, एक एक बस में 20-20, 25-25 बच्चे जा रहे हैं, क्या उनके बिचारों को उनके से कौन देखे, कौन जिम्मेवार है? ये थोड़ी होता कि आप बच्चों को बुलाओ और पैसे के बहाने आप लोगों की जिंदगियों से खिलवाड़ कर रहे हो। रही बात लखनपुर की, तो लखनपुर क्या है, कुछ भी नहीं है, वो जस्ट एक फॉर्मेलिटी रखी है। अभी हालिया में आप उधर से आओगे, आपके पास अपनी कार है तो आप जा सकते हो, अगर कोई बेचारा बस में आ रहा है तो उसको पहले वहाँ से पर्ची लेनी पड़ेगी, पर्ची लेके फिर उसको दिखानी पड़ेगी, फिर वो आना पड़ेगा।
अगर तो वो सच बोल गया कि मैं कठुआ का हूँ तो उसको बोलेंगे आप टेस्ट कराओ, अगर वो झूठ बोलता कि मैंने सांबा या जम्मू जाना उसको बोलेंगे आप जाओ। क्या है ये सारी जगह खुली हुई है, लखनपुर बॉर्डर क्यों नहीं खुला? नलायकी है ना, ये प्रशासन की नलायकी है, लोगों को हरासमेंट कर रहे हैं, कितनी दुनिया में जा रहे हैं, कोई बाहर से आ रहा है उसको लखनपुर के, इतनी बड़े लोगों ने नो लेके बसें ली हुई हैं, लोगों का ट्रैवलिंग का काम है, उनको आप लखनपुर के अंदर नहीं आने दे रहे हो, ये क्या मसला है? मुझे आज तक समझ नहीं आया, पूरा हिंदुस्तान इसका मतलब है एक लखनपुर ही बॉर्डर ऐसा है और बाकी पूरे हिंदुस्तान वाले बेवकूफ है क्या? जल्द से जल्द लखनपुर को खोलना चाहिए। हाल ही में महबूबा मुफ्ती को ये ने नोटिस भेजा है, उस पर आप क्या कहेंगे कि क्या केंद्र सरकार की तरफ से किस तरीके की कार्रवाई जो है करवाई जा रही है? देखिए पूरा हिंदुस्तान, पूरा जम्मू कश्मीर जानता है कि मुफ्ती परिवार क्या है। मुफ्ती परिवार एक ऐसी शख्सियत है हमारे जम्मू कश्मीर राज्य की जिन्होंने आज तक जम्मू में उनका अपना घर तक नहीं है। बाकी ईडी के समन भेजना ये तो एक होगी तानाशाही, क्योंकि अभी हाल ही आपने देखा कि महबूबा मुफ्ती जी को पूरे जम्मू कश्मीर में लोगों का कितना प्यार और सहयोग मिल रहा है। बीजेपी इसी मसले पे घबरा गई है, कहीं महबूबा मुफ्ती जी इलेक्शन लड़ेगी दोबारा चीफ मिनिस्टर बन जाएगी या दोबारा 370 पे बात करेगी। वो तो हमें करनी है, हमें जब तक 370 और जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा जो इन्होंने हमसे छीना हुआ है वापस नहीं आएगा तब तक पीडीपी संघर्ष करती रहेगी। और महबूबा मुफ्ती जी इन चीज़ों से डरने वाली नहीं है, उनके पास कुछ है ही नहीं, आप जितना मर्जी डराओगे शी इज़ आयरन लेडी, वो इन बातों से नहीं डरती, उन्होंने बहुत कुछ देखा है, उनके ऊपर अटैक भी करवाए गए, उन्होंने बहुत कुछ देखा है। ये तो तानाशाही है केंद्र सरकार की कि पीडीपी जिसका जनाधार लोगों का भरोसा फिर उस पर जाग रहा है और लोग उनका साथ दे रहे हैं, इसी के डर से उनको हरासमेंट किया जा रहा है और कुछ नहीं। हमारे साथ दीपक रैना जी जिन्होंने बताया कि किस तरीके से प्रशासनिक अधिकारी का इस समय बोलबाला है। अनिल शर्मा, अलर्ट इंडिया न्यूज़, कठुआ।